वेलकम टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज। मैं श्वेता आज आपको इम्पेंसन का प्लांट, जो एक समर प्लांट होता है, उसको लगाने के तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम सोइल मिक्सचर तैयार करेंगे। ये इम्पेंसन का प्लांट है जो आपको पिक में दिखाई दे रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और सबसे पहले तो हम वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे 1/3 या 1/4 पार्ट। अगर आपके पास कोकोपिट अवेलेबल है तो आप कोकोपिट का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम जो प्लांट की सोइल है जो प्लांट के साथ आती है, तो उसका मिक्सचर भी वर्मी कंपोस्ट के साथ और थोड़ी सी अदर सोइल के साथ तैयार कर सकते हैं। उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। मेरा तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और आप देखिए, जो मैं तैयार कर रही हूँ उससे आपको शायद नॉलेज मिले बहुत अच्छे से, आपका पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। ये अगर आपका जो प्लांटर है वो चीनी मिट्टी का है तो उसमें तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा छेद आता है, उसको हम किसी स्टोन से या कपड़े की मदद से उसको ढककर, जो कि एक्स्ट्रा सॉइल हमारी बाहर ना निकले, तैयार कर लेते हैं। और अगर हमारे प्लास्टिक के प्लांट हैं तो हम उसके नीचे एक छेद, 2 या 3 छेद जरूर कर लें ताकि हमारे प्लांट को ऑक्सीजन मिल जाए। और ये मेरा मिक्सचर तैयार है। मैं इसमें थोड़ी सी DAP फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो NPK या DAP कुछ भी फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। इसमें आधी सोइल, हम लगभग आधा गमला सोइल है ये जो मैंने पहले से भर रखी है और अभी तैयार की थी। इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया था मैंने थोड़े से सोइल में। अब मैं इस प्लांट को प्लांटर से अलग कर रही हूँ। आप देखते रहिए, देखना कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर होता है इसका, और बहुत अच्छा सा प्लांट होता है। मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप इसी तरीके से लगाएंगे तो आपका भी पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। आप इसका ध्यान रखें, जो इसकी रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, तो इसको हम इसकी रूट्स जो ज़्यादा बारीक जड़ें हैं जाला टाइप में, वो निकाल देंगे। और इसकी मिट्टी जो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो चुकी है, लाइक रेड कलर की जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, तो उसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और इन रूट्स को ढीली कर लेंगे। थोड़ी सी बस प्लांट की जड़ में थोड़ी सी मिट्टी रहने देंगे और बाकी हम इसको अलग कर लेंगे। अच्छे से निकालने के बाद, ये दोनों हाथों से मैं इसको अलग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है ये सारा प्लांट, ये देखिए, और इसके अंदर स्टोन भी निकला है, तो इसलिए आपको चेक करना ज़रूरी होता है। हो सकता है कोई पॉलीथीन वगैरह भी आ सकती है। अगर आप ऐसे का ऐसे ही प्लांट ना लगाएं, उसकी मिट्टी थोड़ी सी हटा लें ताकि पौधा आपकी जो सोइल है, जो आपने सोइल मिक्सचर तैयार करा है, उसमें अच्छे से ग्रो कर पाए, उसको वो सेट हो जाए उसमें। तो आप देखिए, ये चिकनी मिट्टी जो है, इससे मैं मिक्सचर बनाऊंगी इसके ही लिए, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है जहाँ से हम प्लांट पहले से ग्रो कर रहा है, पहले से जो मिट्टी उसके अंदर है उसके अंदर उसका न्यूट्रिशन होता है। तो उस न्यूट्रिशन को हम बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, उस न्यूट्रिशन को हम ऐसे तैयार करेंगे जो हमारा पहला वर्मी कंपोस्ट था उसके बीचों बीच, हम गमले के बीचों बीच इस प्लांट को रख देते हैं, और जो इस प्लांट की जड़ से मिट्टी निकली थी उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और मिलाते हैं, थोड़ा सा DAP और मिलाते हैं, और फिर हम इस मिक्सचर को तैयार करते हैं। दोनों हाथों से मैं मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। ये देखिए, मैं थोड़ा सा DAP यूज़ कर रही हूँ इसमें, और फिर मैं इसको मिक्स करके, जो ये प्लांट मैंने बीचों बीच रखा है और जो साइड में खाली जगह है प्लांटर की, गमले की, तो हम उसमें बहुत अच्छे से भर देंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, इम्पेंसन का प्लांट लगकर तैयार हो चुका है, बहुत प्यारा प्लांट है। इसमें आप हल्की वाटरिंग 1-2 दिन करें, फिर आप डार्क वाटरिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा, बहुत अच्छे फ्लावरिंग करेगा, बहुत सुंदर दिखाई देता है। नमस्कार।